वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में कि तीनों क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, और हम जो कोडिंग करते हैं वो करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो बीच में हमको एक कन्वर्टर यूज करना पड़ता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में या लो लेवल लैंग्वेज में या 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। कन्वर्टर यूज करना है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम हमारे लिए करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों। अब डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ वंस गो एक साथ पूरे प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। फिर से समझिए, कंपाइलर तो पूरा जितना भी प्रोग्राम आपने जितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखा उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। एक लाइन कन्वर्ट करी, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे, इसमें से किसी में भी आउटपुट जनरेट हो रहा है तो आउटपुट भी देगा, जबकि कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा। कंपाइलर पूरे ही प्रोग्राम का आउटपुट एक साथ देगा अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है एक साथ, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है। अब बात रही असेंबलर की, तो एक असेंबली भाषा बनी थी स्पेशली, उस स्पेशल असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। क्लियर हो गए तीनों टॉपिक? तीनों ही किसी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।